पाप फल भोगवा दे दू पाप शास्त्रों में लिखा है यत करो श्री यदश नासु शास य तपस्य तत्कुरुष्वदर्पणम गीता नवे अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक जो कुछ करो भगवान को अर्पित कर दो तो कर्म का बंधन नहीं होगा तो हम जो कुछ करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म इसको हम कहते हैं पुण्य कर्म पाप कर्म अच्छा कर्म बुरा कर्म तो यह भी शास्त्र कहता है कि तुम जो कुछ भगवान को अर्पित करोगे दस गुना होकर तुमको मिलेगा जैसे हम दान करते हैं भगवान के निमित्त तो अगले जन्म में दस गुना होकर मिलता है तो शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ कहते हैं कि अरे भाई देखो जरा समझ बूझ के काम करना अच्छा कर्म अर्पित कर दो ठीक है दस गुना फल मिलेगा लेकिन अगर पाप अर्पित कर दिया भगवान को तो उसका भी दस गुना हो जाएगा तो वो फल भोगना पड़ेगा पाप का दस गुना ये तो अर्पण करने का बड़ा लाश हुआ इसलिए शुभ कर्म भगवान संबंधी कर्म ही भगवान को अर्पित करना चाहिए पाप अर्पित नहीं करना चाहिए उसको फील करना चाहिए कि फिर से अपराध ना हो पाप न हो उसको जितना फील करोगे उतने पाप से बचोगे हम फील नहीं करते इसलिए बार बार पाप करते हैं फील किया भी थोड़ा सा तो पाप को बार बार अपने मन को धिक्कार करके प्रायश्चित करना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए अब ये पाप दोबारा नहीं होने देंगे हा एक फकीर था डायोजनीज़ यूनान में बड़ा मशहूर फकीर वो वो मूर्ति के आगे भिक्षा मांगता था पत्थर की मूर्ति के आगे लोगों ने देखा कि फकीर इतना मशहूर तमाम सिद्धियां हैं इसके पास ये पागल हो गया तो पूछा लोगों ने कि हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं भलाई मूर्ति आपको भिक्षा देगी तो उन्होंने कहा नहीं मैंने भिक्षा मांगा था एक जगह उसने झिड़क दिया हमको तो हमको गुस्सा आ गया फीलिंग हुई गुस्सा आया तो मैंने कहा अरे मुझे गुस्सा आया ये तो मेरा नुकसान हो गया और ऐसे ही अगर दस जगह लोगों ने झिडक दिया हमको आगे जा हट्टा कट्टा तो है भीख मांगता है हमारे संसार में लोग ऐसे ही बोलते हैं भिखारियों को जब देना नहीं होता तो, तो मैं इसलिए भीख मांगता हूं ये बोलेगा तो है ही नहीं और हम फील ना करें आदत पड़ जाए हम किसी से भीख मांगे और वो उधर कर ले तो हम भी मुस्कुरा अपने परमार्थ की फिक्र नहीं है ये समझता है ऐसे ही रहेंगे हमेशा हम कोठी कार वाले इसलिए दान नहीं कर रहा ऐसा समझ करके भगवान का कृपा पात्र है इस पर भगवान कृपा करेंगे तो ये भी सोचेगा कि भाई मरने के बाद का फिकर करो वर्तमान में क्या है दो रोटी तो मिल ही रही है आगे का भी हिसाब बैठाना चाहिए मानव देह मिलकर अब आगे का हिसाब न बैठाया तो क्या कुत्ते बिल्ली की योनियों में बैठाओगे तो इसी प्रकार रुपए में आ सकती थी रामकृष्ण परमहंस की तो एक हाथ में मिट्टी ले एक हाथ में रुपया और इस हाथ को फिर इस हाथ में डाले इसका टाका माटी टाका माटी टाका माटी बोलते जाए अर्थात ये पैसा जो है मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है ये फीलिंग पक्की हो जाए तो उसकी आसक्ति चली जाए स्वामी रामतीर्थ की सेव में आसक्ति थी सेव सेव फल ओ, सामने सेव रख दिए और बैठ गए उसी के आगे कीर्तन करते हुए कि खाएंगे नहीं और देखते रहेंगे तुझको तो सेव सड़ गया और स्वामी राम तीर्थ ने नहीं वो तो हमको भी हट करना पड़ेगा मन के साथ वरना ये इतना बड़ा दुश्मन है बड़े बड़े योगियों को एक सेकंड में गिरा देता है साधारण की कौन गिनती है ये तो बह जाते हैं जरा से पानी में लेकिन जो बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र हैं वे भी मन के बहकावे में कभी कभी आ जाते हैं इसलिए इस दुश्मन से सावधान होकर फील करना चाहिए और दोबारा पाप न होने पाए डेली सोते समय दो मिनट को आप लोग बैठ जाइए खाट पर और सोचिए आज दिन भर में हमने कहा पाप किया हां वहां किया वहां किया वहां किया ये कि बिना पाप किए भी काम चल जाता हा कल से नहीं होने देंगे तो आज जो हमने दस पाप किया है कल नौ हो जाएगा परसों आठ हो जाएगा जितनी योग्यता आज हम लोगों को मिली है अभ्यास से तो मिली है जब हम पैदा हुए तो क्या अकल थी हमको मां को भी नहीं जानते थे लेकिन अकल इकट्ठा करते करते पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते देखते देखते और कितनी सारी अकल आ गई हमारे अंदर अभ्यास से करवट बदलना नहीं आता था करवट बदलना बड़ी मुश्किल में वो सीखा है फिर बैठना फिर खड़े होना फिर चलना फिर दौड़ना सब भूल गया लेकिन उस समय का स्मरण अगर आप लोगों को इस समय हो जाए और कितना परिश्रम किया था कितनी बार गिरे थे चोट लगी थी रोए थे तब चलना आया था ऐसे ही हमको भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना चाहिए एकदम नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ मन है इसलिए अभ्यास में भी समय लगेगा लगातार अभ्यास में लगे रहो तो एक दिन लगने लगेगा जब लगने लगे तो बस समझ लो हो गया जो खराब गाड़ी होती है तो ड्राइवर कहता है भैया तरह धक्का लगा दो और दो चार आदमी जब थोड़ी दूर धक्का लगा देते हैं और स्टार्ट कर लेता है वो तो कहता आओ भैया तुम भी बैठ जाओ हाँ अब कोई डर नहीं तो ऐसे ही ये मन है अभ्यास करके जब भगवान की ओर लगने लगेगा तो फिर सब बात बन जाएगी हाँ तो पाप अर्पित नहीं करना शुभ कर्म ही अर्पित करना और पाप हो जाने पर फील करना और प्रतिज्ञा करना कल नहीं होने देंगे बस एक महीने में आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं अभ्यास इतनी बड़ी चीज है भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भागवत में विषयान विषयाध्यायतः पुरुषो विशेष विसर्जते जड़ वस्तु में सुख मान मान करके जब हमारा अटैचमेंट हो गया शराब सिगरेट चाय कोई भी चीज में हमारी जो आसक्ति हो गई है ये अभ्यास करने से हुई है पैदा होते ही किसी ने शराब नहीं मांगा फीका दूध माँ का पिया है हम लोगों ने फीका बिना चीनी के पैर को उछाल उछाल करके बड़ी खुशी में और जो बड़े हो गए काबिल हो गए चीनी क्यों नहीं डाला अब <laughs> बड़े काबिल हो गए अरे सब बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं वाइट पॉइजन है चीनी होगा पॉइन मैं उसके बिना कहीं चाय अच्छी लगती है मैं नहीं पीता अब समझदार हो गए ना हम लोग वास्तविकता को वास्तविकता को समझना चाहिए और फील करना चाहिए पाप को अपराध को फिर दोबारा ना हो और शुभ कर्म का अभ्यास करना चाहिए करने से ही होगा कोई भगवान हो कोई अवतार हो कोई संत महात्मा घोल के नहीं पिला देगा वो तो बताएगा ऐसे करो करना हम ही को है चलना हम ही को पड़ेगा रास्ता बताने वाले के हम बहुत कृतज्ञ हैं, ठीक है क्योंकि हजारों रास्ते हैं गलत एक रास्ता है सही अब अगर सही रास्ता बताने वाला न मिला तो दिन रात हम चला कर क्या होगा कभी नहीं पहुंचेंगे किसी का पैर बांध दो और डंडे लगाओ दौड़ मार खा लेगा कैसे दौड़ेगा पैर तो बांध दिया आपने उसका तो मन संसार में लगा दिया हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और शास्त्र वेद को जानते नहीं और पंडित जी एक मिल गए बाबा जी एक मिल गए मूर्ख उन्होंने कहा जब कर लो ये पाठ कर लो चारों धाम में घूम आओ हम मिल जाएगा हमने मान दिया और वैसे ही करते गए और मरने के बाद क्या मिला कूकर सुकर कीट पतंग की योनिया क्योंकि हमने मन को तो लगाया ही नहीं भगवान में वो हमने समझा ही नहीं किसी ने समझाया ही नहीं अपने आप तो ज्ञान होता नहीं इसलिए बहुत सावधान होकर इस मानव देह को सफल करना चाहिए हम्म